ये सोशल मीडिया बहुत ही क्रिटिकल है, आपने बिल्कुल सही बताया है। क्योंकि तो सोशल मीडिया में कोई न्यूज एंकर या कोई न्यूज टीम नहीं है जो जनता का कोई दूसरी भावना को वो तीसरी भावना बना करके नेगेटिव सेट कर दें। ये फेसबुक पे करीब करोड़ों लोग हैं, पूरे दुनिया में करोड़ों लोगों के अपने व्यूज हैं, वो हर एक आदमी अपने व्यूज खुद शेयर करेंगे। वो फेसबुक अलग से नहीं बताया कि शशिधर जी का ये है तो फेसबुक इस पे क्या कमेंट करना चाह रहे हैं, फेसबुक कभी नहीं कमेंट करेगा। नहीं तो मीडिया नैरेटिव सेट कर सकते हैं बट सोशल मीडिया में नहीं कर सकते वो। अभी सोशल मीडिया किसका है? एक तो फेसबुक, ठीक है, जो कंपनी के ओनर है वो है, ट्विटर जो कंपनी के ओनर है वो है, बट आपका अकाउंट कब दूसरा कोई हैक कर लेता है? हैक मतलब वो डिकोडिंग करके हैक करना नहीं। अभी देखिए आपके व्हाट्सएप एंड फेसबुक में कई सारे ऐसे चीजें होती हैं जिसका इन्फॉर्मेशन का वो खुद भी नहीं पता। एक फोटो लगा दिया जाता है, उसके साथ कुछ स्टेटमेंट लिख दिया जाता है, आप उसको क्या करते हैं, फेसबुक पे फॉरवर्ड करते हैं, जबकि आपको स्टोरी पूरा पता भी नहीं है। आप व्हाट्सएप पे भी उसको फॉरवर्ड करते हैं, तो आपका जो खुद का एक अकाउंट है जिसमें आप अपनी बातें रखना चाहते हो, वो अपनी नहीं, अभी आप दूसरों की बातें रख रहे हैं। ये भी एक तरीके का नैरेटिव सेट करना हो गया। अभी जैसे कि इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो अभी सबसे ज्यादा पावरफुल जिसको गवर्नमेंट भी यूज कर रही है वो ट्विटर अकाउंट है। ट्विटर अकाउंट में अपने गवर्नमेंट अभी करीब 10 सालों से तो देखा गया ही है कि सभी मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल रहेंगे, वो लोग ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी सबसे पहले ट्विटर पर देंगे। आपको कुछ बात कहना तो वो भी आप कर सकते हैं। बट अभी जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ ओटीटी के नए रूल्स भी आने लगे हैं, अभी उसका इम्पैक्ट देखते हैं कब वो बिल पास होता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। बेसिकली एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया जो भी टीवी वाले हैं, तो बताया हमने, या प्रिंट मीडिया, अखबार, ये सभी दिल्ली में हैं और मीडिया हाउसेस नोएडा में हैं, बाकी सब तो प्रिंट मीडिया दिल्ली में ही हैं। तो इवन इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू जी के टाइम से ही सबको दिल्ली में ही रखा गया, ताकि अभी क्या होता है कि मीडिया बेसिकली जो स्टार्टिंग से इंडिपेंडेंस के टाइम से जो देखा गया था, जो बाहर के देशों में क्या होता था कि क्रिटिसिज्म में यूज करते थे, तो दिल्ली में उनको ऑफिस मतलब अच्छे अच्छे जगहों पे भी दिलवाया गया ताकि गवर्नमेंट अपनी भी बात उनके थ्रू रख सके। तो ये नया नहीं है कि आज से ही ये मीडिया नैरेटिव सेट होने की बात चल रही है, ये शुरू से ही है, बट हो सकता है आज के दौर में ज़्यादा बढ़ गया हो। अब क्योंकि एक ही जगह में नोएडा में ही सारे टीवी चैनल्स वाले हैं, न्यूज़ वाले, तो ऑफकोर्स वो क्या है, एक हब बन गया है। तो एक न्यूज जो स्टोरी चलानी है वो सभी चैनल्स पे आप देखेंगे हमेशा सेम स्टोरी ही चलता है, कंपटीशन सेम स्टोरी में ही होता है कि कौन इन्फॉर्मेशन कितना फास्ट ला पा रहा है, आधा घंटा पहले कौन लाया है, आधा घंटा बाद कौन लाया है। बट बेसिकली मीडिया नैरेटिव ऑलरेडी वो सेट हो चुका रहता है। अभी इसमें क्रिटिकल वही हो गया कि आप अपने सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से इतना डिफरेंट इन्फॉर्मेशन या तो सुन रहे हैं या फिर लोगों हैं। अभी इसी में आता है कि आपकी स्टोरी क्या बन सकती है, आप अपने बारे में लिखिए, अपने आसपास में जो हो रहा है, चाहे वातावरण इन्वायरमेंट हो या फिर अपने समाज में क्या हो रहा है, आप उसको लिखिए। इससे क्या है कि एक तो आप फॉरवर्डेड मैसेज करना बंद करेंगे, दूसरे के स्टोरी नहीं चलाएंगे और खुद के स्टोरी चलाएंगे। अभी अब धानुक समाज को इसमें, धानुक समाज का क्या क्या रोल रहेगा? अभी धानुक समाज का एक और इम्पोर्टेंट बात जो शुरू में हमको करना था कि रिपोर्टिज्म एंड मीडिया में धानुक समाज का पॉपुलेशन कितना है, जो मीडिया में है या जो रिपोर्टिंग करते हैं? मेरे ख्याल से कमी है, मेन स्ट्रीम लाइन में अगर होंगे भी तो हमको आइडिया नहीं है, पता नहीं है मे बी। और न्यूज़ में हमको कितना अखबार में एरिया मिलता है, कितना ब्लॉक मिलता है, और मीडिया में जो टीवी मीडिया है उसमें कितना मिनट मिलता है अपने लिए, वो एक बहुत ही क्रिटिकल है। मुझे नहीं लगता कि आम दिनों में आपको सुनने को मिलेगा, हालांकि कुछ कुछ जगहों पे जब लिया जाता है तो
वो ऑलरेडी शशिदत्त जी ने वो धानुक समाज यूट्यूब पे भी शेयर कर रखा है, बट आप मान सकते हैं कि बहुत ही कम है या ना के बराबर ही है। तो इसको धानुक समाज को बढ़ाना है, अभी वो कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें आप सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये तीनों मीडिया को क्वांट करें, तो शशिदत्त जी इसमें कैसे कैसे आगे बढ़ा जा सकता है।